स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। प्लीज एक मिनट प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन भी चलेगा, इस तरीके से ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन भी चलेगा। सदन चलाना चाहते हैं, अब अच्छी बात नहीं है, गलत तरीका है। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी भारत माता प्लीज बैठिए। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए, नहीं, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर प्लीज पानी जैसे जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज प्लीज बैठे प्लीज प्लीज बैठे अब सवाल उठता है। आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते। प्लीज देश की हत्या की है मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी बिराजो, आप बैठिए सही। नहीं बैठिए, रहने दो। आप बैठिए प्लीज। आप बोल रहे फिर, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानिए
देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? और इसलिए सुनते हैं, गलत तरीका मान्य सदस्य देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है देख लीजिए। आप इसलिए पहले गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके में बाहर सदन में मत करिए, आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से कोर्ट में लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाइयों बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही अमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।